हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही मज़ेदार मूवी लेकर आ गई हूँ, पर मूवी का शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। एंड नाउ विदाउट एनी चटर पटर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस मूवी का शुरुआत होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एग है। ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। एग की एक मैरिड नाम की फ्रेंड भी थी जिसका मर्डर हो चुका था और लोग एग को ही उसका मर्डरर मानते थे। वो लोगों को समझाने की काफ़ी कोशिशें करता था लेकिन उसकी बातों पर कोई बिलीव नहीं करता था। पर टाइम के साथ ही उसे कुछ सुपर पावर्स मिलेंगी जिसके यूज़ करके वो प्रूफ कर देगा कि वो मर्डरर नहीं है। एक दिन जब वो अपने घर की खिड़कियाँ खोलता है, वो देखता है कि बाहर बहुत सारे मीडिया वाले उसका वेट कर रहे हैं। एग जैसे ही बाहर निकलता है, मीडिया वाले उस पर पूछताछ करने लगते हैं कि आपने मैरन को क्यों मारा। एग चुपचाप सब कुछ सुनता रहता है क्योंकि मैरन की डेथ से वो भी काफ़ी दुखी था, क्योंकि वो मैरन से बहुत प्यार करता था। और वो अपने कार में बैठकर अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है जहां उसकी मदर उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर उसके फादर को ये लगता था कि शायद एग ने ही मैरन को मारा होगा। ये जानकर एग सैड होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है। तभी उनका बचपन का फ्रेंड ली वहाँ पर आता है और वहाँ पर आके उन्हें न्यूज़ देता है कि लैब में आग लग चुकी है और मैरन के मर्डर केस में हमने जो भी एविडेंस मिले थे वो सब अब नहीं मिल सकते। एग ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि लैब में मेडिकल रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिससे पता चल सकता था कि मैरन का रेपिस्ट और मर्डरर कौन है, ये सब कुछ ख़त्म हो गया था। फिर रात को मैरन के फादर और फैमिली मैरन की याद में कैंडल जलाने गए थे और मैरन के फादर कहते हैं कि एग ने ही मैरन का मर्डर किया है और उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये सब कुछ एग भी एक ट्री हाउस पर बैठा हुआ देख रहा होता है और काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे मैरन के फादर से ये उम्मीद नहीं थी। फिर एग गॉड के पास जाता है और कहता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मगर वहीं पर एग के बचपन की एक दोस्त वहाँ आ जाती है और उसे रोकती है। मगर एग कहता है कि गॉड ने मैरन के साथ बहुत गलत किया है। वो हर संडे चर्च आती थी और क्रॉस भी पहनती थी। फिर अगली सुबह एग अपने माथे पर कुछ सिंगों की तरह निशान देख रहा था और वो सोचता है कि कहीं मैं सच में तो कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। और वो अपने फ्रेंड को भी वो निशान दिखाता है मगर उसकी फ्रेंड उसे सीरियसली नहीं लेती और अपनी बात करने लगती है। वो कहती है कि कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता और तुम भी नशे की हालत में मेरे साथ आए थे, वरना तुम भी नहीं आते। फिर एग अपने सिंगों के निशान डॉक्टर के पास लेके जाता है और वो डॉक्टर उसे एक फॉर्म फिल करने देती है। वो जहाँ पर फॉर्म फिल करने बैठा होता है वहीं पर एक लेडी और उसकी डॉटर होती है। वो बच्ची काफी शोर कर रही होती है। तभी वो लेडी कहती है कि मुझे अपनी डॉटर को एक किक मारनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से आप अच्छे से फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे। एग अपने फॉर्म फिल करके डॉक्टर के पास देता है और वो पूछती है कि क्या मैं आपके सिंगों को निकाल दूं क्योंकि आपको परेशानी हो रही होगी। साथ ही वो उस लेडी को बाहर जाने को कहती है जिससे वो लेडी गुस्से में आ जाती है और शीशे पे जोर से हाथ मारती है। एग उसे रोकने आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है उसे पता चलता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है और लेडी अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि मैं अपनी मदर से नफरत करती हूँ और उन्हें बेड पर ही जला देना चाहती हूँ। दरअसल वो लेडी एक अच्छी मदर नहीं थी और वो ज्यादातर बाहर ही रहती थी। फिर एक डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर भी उन सिंगों को देखकर काफी नॉर्मली रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि ये आम बात हो। एग उनसे कहता है कि इन सिंगों को निकाल दो। वो एग को सिंग निकालने के लिए बेहोश कर देते हैं और बेहोशी की हालत में वो अपने बचपन को याद कर रहा होता है जाकि वो मैरन से पहली बार चर्च में मिला था। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो सिंग अब तक उसके सर पर है और डॉक्टर भी कहीं और पे बिजी थे। ये सब कुछ उन सिंगों की वजह से ही हो रहा था। फिर एग अपने दोस्त ली से मिलने जाता है और ली को तो उसके सिंग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। वो सोचता है कि शायद अच्छे लोगों को ये सिंग नहीं नजर आ रहे होंगे।
फिर वह अपनी मदर के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाता है, मगर उसकी मदर बहुत ही अजीब सा रिएक्ट करने लगती है। वो कहती है कि काश तुम मेरे बच्चे ना होते, तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझे मत सुनाओ। फिर एग सैड हो जाता है और जब उसके फादर आते हैं वो उसे कहता है कि क्या आपको भी मुझे डांटना है, तो वो कहते हैं कि तुम्हें मैरन को नहीं मारना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की थी और तुम्हारी फ्रेंड भी थी। एग कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, आखिर मैं उसे क्यों मारूंगा। तब उसके फादर उसे बताते हैं कि मैंने ही लैब में आग लगवाई थी ताकि सारे एविडेंस मिट जाए और तुम बच जाओ। फिर एग गुस्से में आकर कहता है कि अगर आपने उन सबूतों को नहीं मिटाया होता, अगर आपने आग नहीं लगवाई होती, तो अभी तक मैं बेकसूर साबित हो चुका होता और असली मर्डरर का भी पता चल चुका होता। फिर एग वहां से चला जाता है और अपने फ्रेंड को कॉल करके सारी बात बताता है। तभी वो नोटिस करता है कि मीडिया वाले उसके पीछे आ रहे हैं और एग उस क्लब में गया था जहाँ पर मैरन काम करती थी। फिर एग पीछे पलट कर कहता है कि मेरा इंटरव्यू वो ही लेगा जो सबसे बेस्ट होगा। ये सुनते ही मीडिया वाले आपस में लड़ने लग जाते हैं और मौका का फायदा उठाते हुए एग क्लब के अंदर चला जाता है। वहाँ का ओनर एग से कहता है कि मैं इस क्लब को जला देना चाहता हूँ ताकि मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। ये सब वो उन सिंघों की वजह से कह रहा था। एग वहाँ मौजूद लोगों से पूछता है कि क्या किसी को मैरन के मर्डर के बारे में कुछ भी पता है। वहाँ बैठा एक आदमी कहता है कि मेरा कजन पुलिस में है और वो जानते हैं कि नया विटनेस कौन है, और वो कोई और नहीं एक वेट्रेस है जिसने तुम्हें और मैरन को ड्रिंक सर्व किया था, और उसने ये बयान दिया है कि तुम मैरन को खींच कर वहाँ से लेकर गए थे। एग काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रहा होता है क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि आखिर उसके खिलाफ कौन बयान दिया है, और वो एक रिंग को देखता है जो वो मैरन को पहनाकर उसे प्रपोज करने वाला था जिस दिन मैरन का मर्डर हुआ। प्रपोज करने वाली बात एग ने अपने भाई और ली को ही बताया था, उसके सिवा उसने किसी को यह बात नहीं बताई थी। रात को जब एग मैरन से मिलने गया था, एक वेट्रेस उन्हें ड्रिंक सर्व करी थी, पर मैरन एग के प्रपोज करने से पहले ही ब्रेकअप करने की बात कहने लगी थी और कह रही थी कि शायद अब हम साथ नहीं रह पाएंगे। एग उसे कहता है कि तुमने बचपन से मुझसे शादी करने के वादे किए हैं और अब तुम ऐसा क्यों कह रही हो, और वो गुस्से में अपनी कार में बैठने चला जाता है। फिर अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर आकर एग को बताता है कि मैरन का मर्डर हो गया है और सबसे पहले शक तुम पर ही जाता है। फिर एग उस वेट्रेस से पूछता है कि तुमने झूठा बयान क्यों दिया। वो कहती है कि मुझे फेमस होना था इसलिए मैंने झूठ कहा। एग कहता है कि तुम्हारे झूठ कहने से कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पर और भी लोग होंगे जिन्होंने सब कुछ देखा होगा। फिर एग के भाई से भी एक सच निकल आता है, वो बताता है कि उस रात मैंने मैरन को घर ड्रॉप करा था। ये सुनकर एग उसे मारने लग जाता है क्योंकि उसने ये बात पहले नहीं बताई जब उस पर मर्डर का इल्जाम लगाया जा रहा था। फिर एग उस रात का सीन देखता है जब उसका भाई मैरन को ड्रॉप करने गया था और वो काफी नशे में था। ये देखकर मैरन गाड़ी से उतर गई थी और उसके भाई को नींद आ गई थी। फिर जब उसकी आंखें खुली थी तो उसे अपने कपड़ों पर खून के निशान और बगल में एक पत्थर दिखाई दिया था, और वो गाड़ी से उतरकर जब इधर उधर देख रहा था तो उसे मैरन की लाश दिखाई दी थी और घबरा कर उसने अपने कपड़े और वो पत्थर पानी में फेंक दिए थे। ये सब देखकर एग उसे ही मैरन का मर्डरर मान रहा था और एग उसे मारने लगा था। ये देखकर पुलिस वहां आती है और एग को अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह ली उसे छुड़ा लेता है। फिर एग ली के गले में वही क्रॉस चेन देखता है जो मैरन पहना करती थी। एग ली से पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, तो वो बताता है कि मैरन जिसके लिए तुम्हें छोड़ रही थी वो मैं ही हूँ। ये सब सुनकर एग मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था। एग गुस्से में कार ड्राइव करते हुए मैरन के घर जाता है और उसके फादर से पूछता है कि क्या मैरन ने कभी भी किसी और लड़के का जिक्र किया था। मैरन के फादर कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिया करती थी क्योंकि वो तुमसे ही प्यार करती थी, मगर तुमने तो उसे मार दिया, पर इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूँ तुम यहाँ से चले जाओ। फिर एक सुनसान से जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो अपने सिंग तोड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, मगर वो एक से काफ़ी मजबूती से जुड़े हुए थे और वो नहीं निकलते।
फिर एग देखता है कि उनके तरफ बहुत सारी सांप आ रही है और ये सब उस सिंगों की पावर्स की वजह से हो रहा था। और तब उसे फील होता है कि ये सिंग उसकी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है और वो खुद को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील कर रहा था। फिर वो उसी विटनेस के पास जाता है और वो सब सांप उसे काट लेते हैं। पुलिस एग को फॉलो कर रही थी मगर वो अपनी पावर्स की वजह से वहाँ से बच कर निकल जाता है। फिर एग अपने भाई के पास आता है जो कि ड्रग्स ले रहा होता है और एग अपनी पावर्स का यूज करके सारी ड्रग्स उसको खाने को कहता है और वो खा भी लेता है। एग ने इसलिए ये सब कुछ किया क्योंकि उसके भाई ने मैरन की लाश देखने के बारे में पुलिस को नहीं बताया था। फिर एग ली के पास जाता है और ली उसे कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैरन का डिसीजन था कि वो तुमसे ब्रेकअप करना चाहती थी। मगर एग मैरन का दिया हुआ क्रॉस चेन ली के गले से छीन लेता है और ली को उसके सिंग नजर आने लगते है। वो समझ जाता है कि अब तक वो क्रॉस की वजह से प्रोटेक्टेड था। फिर एग उस रात का सीन देखता है जहाँ मैरन एग से ब्रेकअप कर रही थी और सब कुछ ली कार में बैठा हुआ देख रहा होता है। और जब एग का भाई मैरन को ड्रॉप करने जा रहा था तो ली भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। ली देखता है कि एग का भाई नशे की हालत में सो चुका है और वो मैरन के पास जाता है और उसे जबरदस्ती करने लगता है तो मैरन उसे दूर कर देती है। ली उसे कहता है कि तुमने आखिर मेरे लिए ही तो एग को छोड़ा है। तो मैरन कहती है कि मैंने ये सब पहले सोचा था मगर अब मैं तब किसी और सोच में थी लेकिन मैं अब भी एग से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उससे दूर नहीं जाना चाहती। ये सुनकर ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे सेक्सुअली अब्यूज करता है। मैरन खुद को बचाने के लिए ली के हाथ पर काटती है। तो ली एक पत्थर उठाकर उसके सर पे मार देता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये सब देखकर एग शॉक्ड हो चुका था। ली एग को कहता है कि मैंने बचने के लिए तुम्हारे भाई की कार में वो पत्थर रखी थी और उसके कपड़ों पर वो ब्लड लगाया था। और ली एग को काफी मारने लगता है और उसकी कार में उसे बंद करके उस कार को आग लगा देता है मगर एग उसी हालत में कार को आगे बढ़ाता हुआ पानी में डूब जाता है। पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि एग पानी में डूबकर मर चुका है। वहीं उसका भाई भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होता है। फिर हम एग को पानी से निकलता हुआ देखते हैं, यानी कि वो अभी जिंदा था। वो उसी हालत में मैरन के फादर के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताती है और मैरन की क्रॉस चेन उसे दिखाता है। तो मैरन के फादर उसे कहते हैं कि इस चेन की अभी तुम्हें ज्यादा जरूरत है और वो जैसे ही उस चेन को पहनता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह। फिर एग उसी ट्री हाउस में चला जाता है जहां पर वो मैरन के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। वहां उसे मैरन का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि ये लेटर तुम्हें मेरे मरने के बाद मिलेगा और हम अपना सपना एक साथ नहीं जी पाएंगे क्योंकि मैं एक कैंसर से सफ़र कर रही हूँ और मैं नहीं चाहते कि मेरी वजह से तुम किसी भी तरह सफ़र करो, पर मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगी। ये लेटर पढ़कर एग समझ जाता है कि मैरन उसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती थी। फिर ये सारी बात एग अपने भाई को बताता है और कहता है कि मैं मैरन के कातिल को सज़ा दिलवा कर रहूँगा। उसका भाई कहता है कि मैं भी आपका साथ दूंगा। ली को उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए एग उसे अपने साथ उसी जगह ले जाता है जहां पर ली ने मैरन का मर्डर किया था। एग कहता है कि मुझे सारी चीजें पता चल चुकी है कि तुमने ही मैरन को मारा है। और वहां पर पुलिस ऑफिसर और एग का भाई आ जाता है। उनके बीच काफी ज्यादा झड़प हो जाती है जिसमें एग के भाई के पैर में एक गोली लग जाती है और पुलिस ऑफिसर भी मर जाता है। ये सब देखकर एग को अपना क्रॉस निकालना पड़ता है और उसे निकालते ही एग एक पूरी तरह डेविल में बदल जाता है और अपने सिंग लेकर उसके पेट में घुसा देता है और उसको जमीन पर गिरा देता है और स्नेक उसके पूरी बॉडी पर लिपट जाते हैं और उसके मुंह से होते हुए उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। उन सांपों को एग ही कंट्रोल कर रहा था और वहीं पर ली की डेथ हो जाती है और एग को वो क्रॉस पहनने का मौका ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपने भाई के सामने ही पत्थर में बदल जाता है और उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। और मरने के बाद वो मैरन के साथ अपनी आफ्टर लाइफ में काफ़ी खुश होता है। और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।